A very good morning to the students of class 11th. अभी हम इकोनॉमिक्स में द थियोरी ऑफ डिमांड विच इज़ लेसन नंबर 5 हम पढ़ रहे थे. इसके अंदर हम ऑलरेडी डिमांड शेड्यूल और डिमांड के मीनिंग्स को पढ़ चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिमांड कर्व. सो टॉपिक इज डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप. सी डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ऑन प्राइस. सी मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बताया था जिसमें मैंने प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड के अंदर आने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट किया था कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड हमारी घट जाती है, गिर जाती है. जब प्राइस गिरेगा, प्राइस फॉल डाउन होगा, तो हमारी डिमांड्स बढ़ जाएगी. विच शोज देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. सो हियर वी हैव द डिमांड कर्व ऑन टू पार्ट्स. वन इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अनदर वन इज मार्केट डिमांड कर्व. सेम एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. सो मैंने यहाँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व के लिए आपके लिए डिमांड शेड्यूल एक ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है कि प्राइस अगर मेरा 10 है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड होती है 6 यूनिट्स की. अगर मेरा प्राइस 8 हो जाता है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड होता है 8 यूनिट्स का. अगर मेरा प्राइस जो है एप्पल्स का 6 फॉल हो जाता है 6 रुपीज़ तक, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 केजीज तक या 10 यूनिट्स तक चली जाती है. सो बाय डूइंग दिस वी आर मूविंग फ्रॉम दिस शेड्यूल टू दिस कर्व. सो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है आपका प्राइस 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक के मार्जिन्स पर, एंड एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने आपका क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम द वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. 10 जब प्राइस था तो हमारी यूनिट डिमांडेड कितना थी? 6. सी मैंने इधर से एक लाइन ड्रॉ किया एंड आई ड्रॉ हेयर अ लाइन और उसको मैंने लाइन अप कर दिया एंड देयर वी गेट 10.6. दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपकी 10 प्राइसेस होने पर, 10 रुपीज़ का प्राइस होने पर 6 यूनिट्स जो है मैं एप्पल्स की डिमांड कर रही हूँ. नेक्स्ट अप वी हैव इज 8 यूनिट्स पर जब प्राइस आ जाता है, रुपीज़ 8 पर जब प्राइस आ जाता है, तो व्हाट वी डू इज़ कि 8 यूनिट्स यानी प्राइस में मैंने देखा कि डाउन हुआ है और मेरा क्वान्टिटी डिमांडेड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया बाय 2 यूनिट्स. सी 10 to 2, 2, 8 मेरा 2 यूनिट्स का प्राइस फॉल हुआ और मैंने यहाँ 2 यूनिट्स का एक्स्ट्रा परचेज जो है वो देखा है. सिमिलरली मैंने उसके बाद फिर से एक डाउनफॉल देखा अपने प्राइस में, 8 यूनिट्स के कंपेयर में अभी रुपीज़ 6 पर यूनिट हो गया है प्राइस. तो नाउ वी हैव इस कि हमने 10 यूनिट्स तक की डिमांड को रेज कर दिया है. जहाँ पहले मेरी 8 डिमांड थी वहाँ अभी मेरी डिमांड 10 हो गई है. सो पॉइंट ए, दिस इज़ अर पॉइंट बी विच शोज कि प्राइस 8 है और क्वांटिटी डिमांडेड भी 8 है. दिस इज़ अर पॉइंट सी विच शोज कि हमारा प्राइस जो है वो 6 है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 है. सो व्हाट वी डू इज वी कीप अ स्ट्रेट स्केल और इनको इस तरीके से हम लाइंस को मर्ज कर देंगे. इन सब पॉइंट्स को, ए बी सी तीनों पॉइंट्स को हमने मर्ज कर दिया है एंड वी गेट अ स्लोप डाउनवर्ड रिलेशन. सी हमने क्या देखा कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ में डाउनवर्ड फॉल होते हुए एक ज़ीरो, आपका जो ओरिजिन है ओरिजिन से अपोजिट साइड में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला स्लॉट बनाते हुए डिमांड कर्व हमारा फॉल हो रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आते हैं हमारे मार्केट डिमांड कर्व पर. सी मार्केट डिमांड कर्व के लिए मैंने सेम मार्केट डिमांड शेड्यूल लिया है जो कि मैंने यहाँ आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल जब समझाया था तब लिया था. कस्टमर ए का डिमांड कर्व, कस्टमर बी का डिमांड कर्व एंड दिस इज़ द डिमांड कर्व फॉर द मार्केट, व्हिच मीन्स कि कस्टमर ए प्लस बी का मिक्सचर जो है वो मेरा डिमांड कर्व. तो मैंने पहले कस्टमर ए के लिए लिया, मेरे पास कस्टमर ए के डिमांड के लिए था 10 रुपीज़ के लिए 8 यूनिट्स, 9 रुपीज़ के लिए 9 यूनिट्स एंड 8 रुपीज़ के लिए 10 यूनिट्स. सो आई ड्रॉड इट हेयर. 10 रुपये जब प्राइस था तो मैंने डिमांड किए 8 यूनिट्स. जब 8 रुपीज़ प्राइस हो गया, 9 रुपीज़ प्राइस हो गया, तो मैंने कितना डिमांड किया?
9 यूनिट्स, और जब 8 रुपीज़ का प्राइस हो गया तो मैंने कितनी डिमांड की, 10 यूनिट्स। सी मैंने इसी तरीके से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को प्लॉट कर लिया ग्राफ के ऊपर। नाउ मूविंग ऑन फॉर कस्टमर बी, वी हैव 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो ही डिमांडेड फॉर 10 यूनिट्स, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 9 यूनिट्स देन ही डिमांडेड टू 11 यूनिट्स, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 8 यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट देन ही डिमांड्स फॉर 12 यूनिट्स। अब मैंने इसको कैसे किया, वही सारी चीज़ें 10, 8, 9, 11, 8, 12, इसी तरीके से मैंने इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया ए बी सी करके, एंड इन प्लॉटेड पॉइंट्स ए बी सी को मैंने स्केल की हेल्प से क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लिया। मैं इसमें भी क्या देख रही हूँ, वही चीज़ देख रही हूँ जो मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखी थी। सी इंडिविजुअल डिमांड कर्व में भी मेरा जो डिमांड स्लॉट था डी डी, विच इज़ योर डिमांड कर्व, जो मेरा डिमांड कर्व बन के आ रहा है मेरे पास डी डी, वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी कि जैसे जैसे मैं प्राइस को सेक्रीफाइस करती जाऊंगी मेरा डिमांड जो है वो बढ़ता जाएगा, मैं प्राइस में फॉल होती जाऊंगी और डिमांड में बढ़ता चला जाएगा मेरा एरिया। नेक्स्ट इन दोनों की हेल्प से, डिमांड ऑफ कस्टमर ए एंड डिमांड ऑफ कस्टमर बी, इन दोनों की हेल्प लेकर के मैंने क्या किया, मार्केट डिमांड को मैंने ड्रॉ किया है। नाउ सी व्हाट वी गॉट टू डू इज कि सेम वेज मैंने 0 से 10 रुपीज तक का प्राइस मार्जिन ले लिया। मेरे पास में डिमांड्स क्या थी, जब प्राइस 10 रुपीज था तो मेरे पास डिमांड थी 18 यूनिट्स की, क्लियर स्टूडेंट्स। जब मेरे पास प्राइस 9 यूनिट्स हुआ तो मेरे पास डिमांड हो गई 20 यूनिट्स की। कैसे हुई है 20, 9 यूनिट्स फ्रॉम कस्टमर ए एंड 11 यूनिट्स फ्रॉम कस्टमर बी, सो द टोटल इज 9 प्लस 11 इज 20 एंड 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18, 10 प्लस 8 18। नेक्स्ट अप वी हैव इज व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 9 टू 8 देन वी एक्सीडेड आवर डिमांड्स बाय 20 to 22 एंड दिस इज बिकॉज 10 units from A and 12 units from B. So this is 22 units for the market demand on the price of rupees 8 per unit. Clear students? अब मैंने क्या देखा कि इन्हीं को सेम वेज मैंने A, B and C करके points जो हैं वो plot कर लिए graph पर, और ये A, B, C skills points को मैंने same वेज scale की help से एक साथ एक line ड्रॉ कर लिया और मैंने इसे नाम दिया डी डी डिमांड कर्व। एज व्हाट वी सी इज ए एंड बी, ये जो थे दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एंड इन दोनों का समेशन करके जो मैंने यहाँ निकाला दिस इज कॉल्ड आर मार्केट डिमांड कर्व, जिसमें मैं वन से मोर, एक से ज़्यादा कस्टमर्स को डीलिंग चेक करती हूँ। यानी यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनको मैं एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ, जिसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अभी के लिए हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, उसके बाद दो इंडिविजुअल कस्टमर्स का सम अप करके मार्केट डिमांड कर्व। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज व्हाई डू डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सी मैंने सभी में आपको दिखाया डिमांड कर्व कैसे जा रहा है आपका ऊपर से नीचे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टूडेंट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इंडिकेट्स नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जब प्राइस में डाउनफॉल होता है तब जाकर के हमारी क्वांटिटी में कुछ एडिशनल होता है। यानी कि जैसे जैसे आपका प्राइस गिरेगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। इस चीज़ को हम एक फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट में रखते हैं एंड वी शो चेंज इन प्राइस पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी क्यू। पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ एज लाइक
वाई एक्सिस पे मैंने आपका प्राइस लिया है एंड एक्स एक्सिस पे मैंने आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ली है. आई हैव टेकन द प्राइस फ्रॉम 0 to 16 rupees एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 0 to 16 units. ओके, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट शोइंग इट कि किस तरीके से प्राइस में जब 12 rupees से जब प्राइस 8 rupees पर आ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी 4 units के इंस्टेड कितना 8 units तक चली जाती है. सी, मैंने प्राइस में कितना फॉल लिया, 12 to 8, यानी कि 4 रुपये मैंने प्राइस में डिडक्शन लिया, 4 rupees. अब वहीं ऑन ऑपोजिट साइड 4 से लेकर के 8 तक जो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में जो मैंने चेंज देखा है, विच शोज कि 4 units जो है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आया है. इसी चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया माइनस चेंज इन प्राइस. क्या हुआ, ए पॉइंट से लेकर के पॉइंट बी तक मेरा प्राइस चेंज हुआ एंड ऑन द ऑपोजिट साइड बी पॉइंट से लेकर के मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है बी से सी में चेंज हुआ. बी सी जो है वो इंडिकेट करता है, बी सी जो लाइन है वो इंडिकेट करता है मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ और ए बी जो है वो इंडिकेट करता है कि मेरे प्राइस में कितना चेंज हुआ. सी, दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ये जो चेंजेस हैं ये रिमेन कॉन्स्टेंट, हर बार कॉन्स्टेंटली ही चेंज होगा. जितना ज़्यादा आप प्राइस में फॉल लेते आओगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में एक्सटेंशन आपको आता जाएगा. धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे 16 rupees जब प्राइस था तो डिमांड कोई भी नहीं कर रहा, जैसे जैसे 14 हुआ तो डिमांड बढ़ी, 12 हुआ तो और बढ़ी, 10 हुआ तो और बढ़ी. धीरे 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 जैसे प्राइस डाउन आता गया वैसे वैसे क्वांटिटीज़ बढ़ती चली गई. ये जो है हमने डिमांड कर्व शो किया डी से डी डैश, दिस इज़ आर डिमांड कर्व जो कि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आपके ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का एक ऑपोजिट रिलेशन है, या यूं कहें नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन है. ये जो नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी घटेगी, जैसे जैसे प्राइस आपका घटेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ेगी. इसीलिए आपका डिमांड कर्व जो है दैट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट्स इट स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन विद द डिमांड कर्व टूडे इन दिस इंडिविजुअल डिमांड कर्व एज वेल एज मार्केट डिमांड कर्व एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड्स.